नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बुखार के बारे में, तो फटाफट से इस बारे में बात करेंगे। बुखार कई कारणों से हो सकता है, तो कारणों की बात ना करते हुए हम यहाँ ट्रीटमेंट की बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी सा ट्रीटमेंट है दोस्तों, नींबू के रस और सौंठ को लेकर के। सौंठ जिसको बोलते हैं, ये जिंजर का पाउडर होता है, यानी अदरक का पाउडर होता है, सूखे अदरक का पाउडर, सौंठ का पाउडर जिसे कहते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले देख लेते हैं प्रिपरेशन क्या है और इसको कैसे करना है। तो दोस्तों आप ये सामग्री देख सकते हैं, इसमें हमने नींबू का रस ले लिया है और सौंठ यानी कि जिंजर पाउडर ले लिया है। तो ये सौंठ आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, करीब आधा चम्मच के आसपास ले सकते हैं, और करीब आधे नींबू का रस ले लें, फ्रेश नींबू हो और फ्रेश जूस हो, पहले का रखा हुआ ना हो। और इसको लेकर के आपने दो पिंच के जूस में डाल लें, दो चुटकी जिसे कहते हैं, तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी होती है। और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, ये देखिए इसको आप मिक्स करेंगे आराम से, एक यूनिफॉर्म इसका जो है लिक्विड बन जाएगा। तो इसको आपने जो है सेवन करना है, पीना है इसको। दिन में आप एक बार पी सकते हैं, दो बार पी सकते हैं, अपनी बुखार की जो इंटेंसिटी उसके हिसाब से। तो बुखार में आपको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा बहुत इजी सी प्रिपरेशन है, आप इसको घर पे बना सकते हैं बहुत आराम से। जस्ट नींबू का रस लेना है, उसमें सौंठ का पाउडर मिक्स करना है, सेवन करना है। ये आपके लिए काफी असरदार होना चाहिए दोस्तों। इसको आपने दिन में एक या दो बार सेवन करना है, जैसे ही आपको बुखार की तीव्रता जैसे आपको महसूस होती है, तो आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ देखने को मिलना चाहिए। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन और ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट omniayurveda.com पर अवेलेबल है, तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें और ये इन्फॉर्मेशन को डिटेल में स्टडी करें। ये आपके काम की हो सकती है, या कम से कम आपके मित्रगण की काम की हो सकती है, तो उनके साथ भी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलेंगे शीघ्र एक नए वीडियो में एक नए ट्रीटमेंट को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।